सर्वेभ्यो नमो नमः। अहम् अस्मि मनीषः। अहम् इदानीं दिल्ली विश्वविद्यालयतः PhD करोमि। अद्य अहम् वेव्स इति नाम्ना ऑर्गेनाइजेशन मध्ये इदानीं अद्य सम्प्रति अहम् एकं शोधपत्र प्रस्तुति कर्तुम् इच्छामि। मम शोधविषयं वर्तते टकराव और विवाद के लिए वैदिक समाधान, धर्म और संवाद। सर्वेभ्यो नमो नमः। एकं मंगलाचरणं गायामि, तदनन्तरं अहं मम शोधपत्रं वाचनं करोमि। ॐ अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यह वेद कहाँ से आया, और इसी में ही हम वेद के समाधान, कोई भी समाधान है जैसे टकराव और विवाद, कॉन्फ्लिक्ट एंड इश्यूज, इस सब चीजों को हम वेद में ही क्यों ढूंढ रहे हैं, ये तीन चार मुख्य सवाल है हमारे। तो इन्हीं सवालों के द्वारा मैं अपने शोध पत्र को प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। जैसे कि वेद में ही हम इसका समाधान क्यों ढूंढ रहे हैं, पहला प्रश्न। तो हम देखते हैं वेद जो है वह अद्भुत ज्ञान राशि और सबसे पुरातन ग्रंथ है इस विश्व का। सायणाचार्य कहते हैं यस्य निःश्वसितं वेदो ये वेदव्यम् अखिलं जगत् एतदेतत्। सः तस्य उक्ति बहु सम्यक् अस्ति एवं च सः उक्तवान् इष्ट प्राप्ति अनिष्ट प्राप्त अर्थम्, मतलब इष्ट की प्राप्ति होगी और अनिष्ट का परिहार होगा, ऐसे अलौकिक उपायों को बताने वाला ग्रंथ वेद है। वेद में सभी ज्ञान विज्ञान है। तो वेद का हम देखते हैं अर्थ, तो विद धातु से घय प्रत्यय करके यह वेद शब्द बना है जिसका अर्थ है ज्ञान, नॉलेज। तो सभी नॉलेज हमारे वेद में समाहित है, इस प्रकार से हम देखते हैं इसको। और जैसे कि वेद सभी धर्मों का मूल भी कहा गया है। धर्म क्या है? धर्म वही है जो जो कि वेद प्रतिपाद्य हो, वेद द्वारा स्वीकृत हो, वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनबद्ध हो, अर्थात प्रयोजनवान हो, उसका उपयोग हो और अर्थवान हो। प्रयोजनबद्ध अर्थ धर्म। तो वेद के द्वारा हम जाने, उसका फिर प्रयोजन भी जाने, फिर अर्थ भी जाने, तब वो उन तीनों को मिला के ही हम धर्म कह सकते हैं। केवल अगर वेद ही प्रतिपादित करे, कुछ भी कहे, तो हम उसको धर्म नहीं कहेंगे जब तक अब उसका कोई प्रयोजन ना हो समाज में। तो समय काल परिस्थिति अनुसार हम उसका ग्रहण करते हैं। जैसे कि आजकल हम देखते हैं पॉल्यूशन इत्यादि इन चीजों के, तो उसके हिसाब से मंत्रों का ग्रहण करते हैं। जैसे विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त, जैसा कि मेरे इसी पत्र में आएगा, जैसे कि हम विवाद और टकराव का क्या समाधान है, तो संवाद ही उसका समाधान है। टकराव और विवाद का समाधान संवाद ही है। और तो जो वेद में, वेद हमारे चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में जो है देवताओं की स्तुति की गई है, ऋच्यते स्तूयते अनया इति ऋक्, अर्थात वहां देवताओं की स्तुति की गई है इसलिए उसे ऋक् कहते हैं। यजुर्वेद इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें कर्मकांड परक मंत्रों की व्याख्या की गई, कर्मकांड के मंत्रों का विनियोग उसमें बताया गया है। यज्ञ में अश्वमेध इत्यादि, दश पूर्णमास इत्यादि, पशुबंध निरूढ़ पशुबंध इत्यादि, जो अग्निष्टि इत्यादि जो यज्ञ है उसका वर्णन हमें यजुर्वेद में मिलता है। सामवेद में गायन करने वाले मंत्र मिलते हैं, ऋषभ गांधार इत्यादि संगीतमय जो है। और अथर्ववेद जो लौकिक वेद कहा जाता है, जिसमें सारे प्रकार के लौकिक जो सूत्र हैं, औषधि सूत्र इत्यादि, व्रात्य सूक्त इत्यादि, भूमि सूक्त, जो सबसे बड़ा सूक्त है भूमि सूक्त, जब सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं, जिस पृथ्वी पे रहते हैं उसके बारे में उसमें बहुत विशद वर्णन है। और इस पृथ्वी को सजीव बताया गया है और बताया गया कि हम जो है उनकी उनकी संतानें हैं, उनके पुत्र हैं। कहा भी गया है माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्याः, मतलब मैं उनका पुत्र हूँ और माता भूमि है। और जो हमारा शरीर भी है वह भी तो फाइव एलिमेंट से मिलकर ही बना है, फायर वाटर इत्यादि। तो हमारा जो शरीर है यहीं से बन गया है। और लेकिन जो हमारी आत्मा, हमारा कॉन्शियसनेस है, वह पर ब्रह्म से आया है। तो इसलिए उस पर ब्रह्म ने गीता में भी कहा है ममेवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, मतलब मेरा ही अंश यहाँ पे विद्यमान है। तो हम माया के वशीभूत हो रखे हैं इसलिए हमें इसका ज्ञान नहीं। तो ये सब बताने वाला ग्रंथ भी वेद ही है। सहस्त्र शीर्षा पुरुषो सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद स भूमि विश्व पृथ्वी तैतिष्ठ दशांगुलम ब्राह्मणोस्य मुखमासी बाहुराचन्य कृतः
पदभ्याम सूत्र हो जाए, अर्थात हमारा जो मुख है वही ब्राह्मण है, जो हमारे फाइव सेंस ऑर्गन है वही ब्राह्मण है, उसी के द्वारा हमें ज्ञान होता है। जो हमारी भुजाएं हैं वह हमारे वो हैं क्षत्रिय हैं, जो हमारा पेट है वह हमारा वैश्य, अर्थात वही जो है सब अंगों तक पोषण पहुंचाता है। इसी तरह समाज में भी हम देखते हैं इसी प्रकार से इसी को परिभाषित किया गया है। तो हमारा दूसरा प्रश्न था टकराव और विवाद हमें वेद में कहाँ देखने को मिलते हैं। तो यह टकराव और विवाद हमें संवाद सूक्त के रूप में देखने को मिलते हैं, जैसा कि दशम मंडल तृतीय मंडल। तृतीय मंडल में नदी विश्वामित्र संवाद सूक्त है, और दशम मंडल में यम यमी संवाद सूक्त, पुरुरुवा उर्वशी संवाद सूक्त, सर्वापणि संवाद सूक्त, अर्थात कोई भी टकराव हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई भी इश्यू हो, उसको बातचीत के द्वारा ही हल किया जा सकता है। जैसे कि आप संसद में भी देखते हैं तो वहां पे भी क्या होता है, अगर कोई बिल पास कराना होता है तो वहां पे भी दो पक्षों के बीच में, जैसे हमारा विपक्ष है और जो हमारे जो वर्तमान पार्टी, उन जो बिल लाते हैं तो उसपे भी बहस होती है, और फिर जब उन दोनों बहस को जब एकत्रित करके जब उसपे मोहर लगती है तो वो संवाद रूप में आ जाता है। मतलब संवाद का अर्थ है निर्णय, निर्णय हो जाना, लास्ट वर्ड मतलब उसके बाद इंप्लीमेंट हो जाना, उसे ही कहते हैं संवाद। तो नदी विश्वामित्र में संवाद सूत्र के द्वारा भी यही था कि वहां पे जो नदियां हैं विपाट और शतुद्री, उनको विश्वामित्र स्वसा कहते पुकारते हैं वहां पे, और इत्यादि मंत्रों से बताते हैं कि, तो नदियां भी बताती हैं इंद्रेशिते प्रेषितम, मतलब हम इंद्र द्वारा प्रेरित होके बह रही हैं, इंद्र कौन जो वर्षा कराता है, इत्यादि मंत्रों से हमें ज्ञात होता है कि नदियां सजीव वर्णन कर रही है विश्वामित्र के साथ, वार्तालाप कर रही है कि तुम हमारी हिंसा मत करना, अगर हम तुम्हें पार होने के लिए मार्ग देते हैं तो आगे तुम हमारी हिंसा मत करना। हिंसा किस प्रकार से, हिंसा इस प्रकार से तुम हमें प्रदूषित मत करना, तुम हमें मतलब हमें बहने देना निर्मल, क्योंकि हम क्या करती है, हम सभी प्रदेशों को स्वच्छ जल देती है खेती के लिए, पीने के लिए इत्यादि। तो इस प्रकार से, और यम यमी संवाद सूत्र में भी क्या होता है कि उसमें भाई बहन के अनैतिक संबंधों के विषय में बताया गया है। तो उसी को उस काल में अगर कोई भी ऐसा संबंध रहा होगा तो उसको ऋषि ने यम यमी संवाद सूत्र के द्वारा यहाँ पे आ, 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 उसका प्रतिबंध करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि वह यम कहते हैं पाप माहु यह स्वतार निगच्छात, वह पापी है जो अपनी बहन को कुदृष्टि से देखता है। इस प्रकार से यम ने वहां पे इंद्रिय संयम करके यह बदलाने, और संवाद के द्वारा बहन ने भी संवाद किया, यमी ने भी संवाद किया, यम ने भी संवाद किया, अपनी अपनी बातें रखी, फिर अंत में निष्कर्ष यही निकला संवाद के द्वारा कि हाँ यह बात सत्य है। तो इसलिए भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते को प्रदूषित कलुषित न करें, इत्यादि प्रकार से हमें संवाद के द्वारा हमें जानने को मिलता है। तो कॉन्फ्लिक्ट इशू का हमें यहाँ संवाद के रूप में हमें समाधान प्राप्त होता है। और इस प्रकार से मेरा जो विषय था यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति नमो नमः।